नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घाव मतलब इंजरी और इंजरी की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं भी डैमेज हो जाए तो उसको हम इंजरी बोलते हैं। अगर कहीं भी शरीर में हानि हो जाए तो उसको हम घाव बोलते हैं। और घाव दो प्रकार के होते हैं। पहला तो एक होता है खुला हुआ घाव और एक होता है अंदरूनी घाव। तो जो खुला हुआ घाव है उसको अपन ओपन वुंड बोलते हैं और जो अंदरूनी घाव है उसको हम क्लोज वुंड बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन वुंड कैसे और क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने चाकू किसी ने मार दिया तो वो एक ओपन वुंड है, वहां पर खून निकलने लगेगा। मोस्टली ओपन वुंड का मतलब ये होता है कि अगर बाहरी तौर पे खून बाहर निकलने लगे, ब्लड आपके शरीर से रिसने लगे, बाहर निकलने लगे, तो उसको हम ओपन वुंड बोलते हैं। और ओपन वुंड बहुत तरह के होते हैं, जैसे एब्रेजन हो गया या इंसीजर हो गया। तो ये सब ओपन वुंड के टाइप है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप एक्सीडेंट हो गया है कहीं तो उस कंडीशन में दोनों ही वुंड होंगे, ओपन और क्लोज। पहले ओपन की बात करते हैं। तो अगर कोई घिसट गया है तो पूरा छिल जाएगा और वहां पर हल्का हल्का खून निकलने लगेगा। और उसके बाद और कभी कभी कुछ एक चीज लग जाती है तो पूरा इंसाइज हो जाता है, मतलब पूरा फट जाता है और नसें तक अंदर फट जाती है। और किसी किसी कंडीशन में आर्टरी तक फट जाती है और उस कंडीशन में बहुत ज्यादा खून निकलता है। तो ये तो होता है, अगर खून निकले बाहर तो उसको बोलते हैं ओपन वुंड, मतलब खुला हुआ घाव। अब चलते हैं कि क्लोज वुंड कौन कौन से होते हैं और उसके कारण क्या होता है। तो क्लोज वुंड, अगर आपको एकदम से फोर्स लग जाए, फोर्स का एकदम से टकराव हो आपके शरीर से और बहुत ज्यादा फोर्स लगे, लेकिन ऐसा न लगे कि जैसे सरफेस एरिया ज्यादा हो, तो फोर्स लगने के कारण आपको क्लोज वुंड हो जाएगा। मतलब फोर्स के कारण आपकी हड्डियां जो है वो टूट जाएंगी, आपके लिगामेंट टूट जाएंगे, आपके मसल में अंदर वहां से फट जाएगी और अंदरूनी मसल फटेगी, बाहर आपको कुछ खून वगैरह नहीं निकलेगा। तो उस चीज को हम क्लोज वुंड बोलते हैं, मतलब एकदम से फोर्स लगने के कारण। जैसे आप अगर एकदम से गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे हैं और एकदम से आपने ब्रेक मारा और उसके बाद आप उछल के कहीं गिर गए, तो गिरने के बाद जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपके बॉडी में डैमेज होगा अंदरूनी, तो उसको हम क्लोज वुंड बोलते हैं। अब वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्प्रेन। तो स्प्रेन में लिगामेंट फट जाती है या टूट जाती है। तो लिगामेंट क्या होती है, दो बोन दो हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट की जरूरत पड़ती है। और वो जो जोड़ने वाली लिगामेंट रहती है वो फट जाए या टूट जाए तो उसको बोलते हैं स्प्रेन। और स्ट्रेन एक होता है टर्म, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, अगर हड्डियों के बीच में जो मसल रहती है, जो एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है, जो मांस रहता है, उसमें अगर फट जाए अंदरूनी और उसमें से खून रिसने लगे या फट जाए तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। और एक कंडीशन होती है फ्रैक्चर की। तो फ्रैक्चर, अगर बोन टूट जाए या बोन फट जाए तो उस कंडीशन को हम फ्रैक्चर ऑफ द बोन बोलते हैं। मतलब आपके हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। और फ्रैक्चर टर्म जो है वो हड्डियों के लिए रहता है। अगर हड्डी टूट जाए या फट जाए या अलग हो जाए या फिर अलग होके ऐसे एक दूसरे से अटैच हो जाए तो उस चीज को फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, सिंगल फ्रैक्चर होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ये होता है इंजरी और इसकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत सारी उसके साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। अब वुंड के बारे में तो कुछ जान लिए हैं, तो अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव ऑल काइंड ऑफ इंजरी के लिए R55 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी भी तरह की इंजरी अगर आपको होती है, मतलब या तो वो स्प्रेन है या स्ट्रेन है या फ्रैक्चर है या ओपन वुंड है, तो सभी तरह की इंजरी में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसको आपको घर में रखना चाहिए R55, R55। और ये R55 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ और एक फोटो आपको लगा दूंगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे। और इसकी MRP 200 रुपये है, 200 रुपये की आती है, सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है तो वो उसके बारे में जानते हैं, फिर इसको लेना कैसे है तो उसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर ये आपको 22 ml की फाइल मिलेगी R55 की, बहुत ही इफेक्टिव रहती है ये किसी भी तरह की इंजरी के लिए, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो। और फिर इसके बारे में कंपोजिशन के बारे में जानते हैं और बाकी मैं मेडिसिन बताते जाता हूँ। तो कंपोजिशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसके साथ सभी मेडिसिन इसमें जो भी जो मेडिसिन कंपोजिशन में है तो वो ओपन वुंड के लिए भी हैं और क्लोज वुंड के लिए भी हैं। तो मैं एक तरफ से बताते जाता हूँ आपको कि कौन कौन सी ओपन वुंड के लिए हैं और कौन कौन सी क्लोज वुंड के लिए हैं। तो सबसे पहले
इसमें दवा डली हुई है आर्निका, और आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है क्लोज वुंड के लिए। जहाँ भी कंट्यूजन हो जाए, मतलब एकदम से चपेट लग जाए और नीला पड़ जाए और बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो उस कंडीशन में आर्निका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और आर्निका करती क्या है कि खून के संचार को वो बढ़ा देती है। जब चपेट लग जाती है और उसके बाद नीला पड़ जाता है, तो उसको वो धीरे 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 ठीक कर देगी और आपके दर्द को बहुत जल्दी ये सोख लेती है। मतलब एक तरह से पेन किलर है होम्योपैथिक में आर्निका, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन है, ये भी क्लोज वुंड के लिए ही है, बेलाडोना थैटी। बेलाडोना डली हुई है, आप थैटी ले सकते हो। तो जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उसको आप थैटी आप जोड़ देना और वो मेडिसिन आप ले सकते हो। तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है क्लोज वुंड के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो और बहुत ज़्यादा जलन हो और एकदम से लाल पड़ गया हो, तो उस जगह के लिए बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब वहाँ पर गर्म हो, वो एरिया गर्म हो और एकदम से लाल पड़ गया हो, तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत इफेक्ट करेगी। और 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार बेलाडोना आप ले लीजिए। और तीसरी मेडिसिन है कैलेंडुला, ये सब R55 में डली हुई है। और कैलेंडुला इज द बेस्ट हीलर मेडिसिन इन होम्योपैथी। मतलब इससे हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और कैलेंडुला लेने से हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी होने लगती है किसी भी वुंड की। तो ये ओपन वुंड के लिए है, मतलब खुला हुआ जहाँ पर खून ज़्यादा आ रहा हो, तो वहाँ पर आप कैलेंडुला मदर टिंचर, आप सिंपली जैसे आप डिटॉल यूज़ करते हैं, तो अगर छिल जाए या कट जाए तो उसमें आप छिलने पे आप डिटॉल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप छिलने पे होम्योपैथिकली कैलेंडुला मदर टिंचर यूज़ करेंगे तो डेटॉल से जल्दी वो हील हो जाएगा, और विद इन 1 to 2 days उसमें पपड़ी बढ़िया और वो पूरा साफ हो जाएगा, बढ़िया तरीके से वो ठीक हो जाएगा छिला हुआ। और कटा हुआ भी विद इन 5 to 7 days वो कटा हुआ जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो कैलेंडुला मदर टिंचर आपको घर में रखना चाहिए। अगर आप डिटॉल रखते हो तो उसके जगह आप कैलेंडुला मदर टिंचर रखो, आपको और ज़्यादा उससे ज़्यादा इफेक्टिव आपको कैलेंडुला मदर टिंचर रहेगा। तो कैलेंडुला मदर टिंचर आप घर पे रखिए, कहीं भी किसी को छिल जाए कट जाए खून निकल आए सिंपली, तो वहाँ पर आप कैलेंडुला मदर टिंचर अप्लाई कर दीजिए। और कैलेंडुला मदर टिंचर को 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दे भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी हीलिंग मेडिसिन है और सबसे बेस्ट हीलिंग मेडिसिन है कैलेंडुला होम्योपैथी में। तो इसमें कैलेंडुला डली हुई है। अब इस चौथी मेडिसिन है इचिनेशिया। तो इचिनेशिया हमारे शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाती है, और ये भी बहुत ही अच्छी हीलिंग मेडिसिन है। ये हीलिंग प्रोसेस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देती है अपने बॉडी में। जो हीलिंग प्रोसेस 7 days या 8 days का हीलिंग पूरा प्रोसेस होता है, कहीं कट जाता है तो 7 या 8 दिन में वो ठीक होता है, तो उस प्रोसेस को वो कम कर देती है और बहुत ही जल्दी वो घाव ठीक हो जाता है। अब हेमामिलिस, हेमामिलिस मदर टिंचर, अगर आपको हेमामिलिस बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो कहीं, तो हेमामिलिस अप्लाई करने से वो खून बंद हो जाता है, या हेमामिलिस पीने से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीने से, या हेमामिलिस अप्लाई करने से अगर बहुत ज़्यादा आर्टरी फट गई हो सके तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर नहीं है आपके घर पे हेमामिलिस है तो हेमामिलिस को रुई में लेके आप ऐसे लगा लीजिए, और कुछ देर तक लगाए रहेंगे तो वहां पर खून बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। तो हेमामिलिस मदर टिंचर खून को रोकने में बहुत इफेक्टिव है। कहीं भी कैसा भी खून शरीर में निकल रहा हो उसको रोकने के लिए हेमामिलिस मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव है। अब आगे चलते हैं, तो अब ये कंट्यूजन स्प्रेन की मेडिसिन है रक्सटॉक्स। तो रक्सटॉक्स अगर हड्डियों में कहीं भी और लिगामेंट में कहीं भी आपको चोट लग गई है, तो उसके लिए रक्सटॉक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और रक्सटॉक्स अगर आपको दर्द बैठे रहने पे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रक्सटॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रक्सटॉक्स आप ले सकते हैं, खासकर ये हड्डियों में, जोड़ों में, और जैसे चल जाते हैं तो चले कंट्यूजन जो मैंने आपको बताया, तो कंट्यूजन में ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रक्सटॉक्स 30। तो आपको अगर बैठे रहने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो और आपको चोट लगी हो, तो उसमें ये रक्सटॉक्स 30 आप 2 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये भी घर में रखनी चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हर तरह के दर्द के लिए होम्योपैथी में। फिर एक है रूटा। तो रूटा अगर आपके लिगामेंट फट गया हो या चिर गया हो या टूट गया हो, जिसको मैंने पहले बताया है स्प्रेन, स्प्रेन जो आपको हो गया हो, तो स्प्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रूटा। 2 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। अगर लंबी समय तक आपको घाव कहीं पर चोट लगी हो पीठ में या कमर में या फिर पैर में, और उसके कारण आपको लंबे समय तक दर्द रहता है, वो घाव ठीक होने के बाद भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है रूटा 30। 2 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सिम्फाइटम, और सिम्फाइटम फ्रैक्चर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, मतलब आपको कहीं भी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूट गई है और फ्रैक्चर के लिए आपने बंधवा लिया है और पूरी तरीके से डॉक्टर को दिखा के या ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल फ्रैक्चर जो आपको सिर्फ उसको खींच के और सही करके उसके ऊपर लगा देते हैं बैंडेज, तो उस कंडीशन में सिम्फाइटम क्यू 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीजिए, तो जहाँ भी हड्डी टूटी हुई है तो उसको जोड़ने में ये बहुत मददगार है। और मैंने ये काफ़ी लोगों को दिया है, खासकर जो ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि R55 को लेना कैसे है, R55 को लेना कैसे है। तो R55 को लेना है 10 बूंद 1/4 कप पानी में, 1/4 कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, 6 से 7 बार लीजिएगा। अगर आपको लंबे समय तक, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं दर्द रहता है और आपको कभी पुरानी चोट लगी हो और उसके कारण आपको दर्द हो, तो फिर वो 10 बूंद सुबह शाम लीजिएगा। तो दोस्तों नॉर्मली तो इसको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में लेना है, और अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो 10 बूंद 6 बार भी ले सकते हैं 1/4 कप पानी में। तो दोस्तों बस इतना ही। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। तो सब्सक्राइब का बटन, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन, जैसे ही आप दबा देंगे तो एक बेल आइकन देगा, तो वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है, और आप ऐसे ही नॉलेज को गेन कर सकेंगे। और मुझे भी कुछ नॉलेज देना हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी बता दीजिएगा, तो मैं फिर आगे इम्प्रूव करूंगा वीडियो को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।